आज एक बकरा हलाल होने वाला है और वो बकरा मैं हूँ। वेलकम टू व्लॉग। इस बालों में बहुत सारे मेमोरीज हैं, वो आज बाल जाएंगे। चल दोस्त, बाय 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 काकू, बाय बाय। यस, बाय द वे गाइस, ही इज गजानन महाराज। बाय बाय बाय। तू तो एकदम मस्त रहेगी ना, तेरा पति एकदम हीरो बनने जाने वाला है। मैं तो घूमने जा रही हूँ। देखो ये देख, देख लुकिंग नाइस। कैसे करता है मनन, कैसे करता है बताए खाते वक्त? नहीं पूरा। मेरी फटने वाली है, मेरी फटने वाली है, मेरी फटने वाली, फटने वाली, फटने वाली है। मुंबई मेट्रो में पूरा, मुंबई मेट्रो में आपका सहर्ष स्वागत है और हार्दिक की स्वागत है। ओके, कैसे लग रहा है मेट्रो? उधर देख नंबर, नाम देख, मास्टर कार्ड घाटों पर असल्फा, बाद में साकिना का, टेक्नो मारुनो का, ईच एंड एवरी स्टेशन पर कुछ ना कुछ तो नाम दिया है। ये देख ट्रैश भी दिया है, बहुत सही ना? आई एम एक्साइटेड। मैंने तुझे मोबाइल फोन इसलिए दिया था, मुझे कुछ तो याद आया, मैं कल शादी में था तो नुपुरा की आंटी थी, वो आई मेरे साथ, बोले कि क्या रे टक्कल पड़ा है? मैंने बोला हाँ पड़ा है। तो मैंने बोला कि कल हेल्थ ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ, तो बोले नहीं नहीं तुझे एक ज़रूरत है भाई, तेरी बीवी इतनी क्यूट है, इतना स्मार्ट है, तो तुझे वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि वाह आपकी लड़की का स्टैंडर्ड मैं मेंटेन करता हूँ, उसका क्लोथ्स मैं डिसाइड करता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज अ सर्जिकल टेक्निक दैट रिमूव्स हेयर फॉलिकल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड डोनर साइट टू द बॉल्डिंग पार्ट ऑफ द बॉडी नोन एज द रेसिपिएंट साइट। ये जो है ये डोनर साइट है और ये जो है ये रेसिपिएंट साइट है। ऑल द बेस्ट सिरी। I was all nervous. I did not sleep all night. And morning we was just taking rounds and rounds. हमको बीपी चेक करना होता है, देन वी विल टेक योर पल्स, वी विल रिकॉर्ड द रीडिंग्स एंड देन वी डू एन एलर्जी टेस्ट फॉर द एनेस्थीसिया। ऑलराइट, ओके, सो बेसिकली वी विल गिव द एनेस्थीसिया इन योर हैंड, सो वी जस्ट हैव टू वेट फॉर अराउंड 15 मिनट्स टू सी इफ यू आर हैविंग एनी बर्निंग और एनीथिंग। ओके, दैट्स जस्ट द टेस्ट, जस्ट द टेस्ट, जस्ट टू सी इफ यू आर एलर्जिक और नॉट। इफ यू आर एलर्जिक कंटिन्यू विद द एनेस्थीसिया। ऑलराइट, वी आर गिविंग अ डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ एनेस्थीसिया। गॉट इट, गॉट इट। प्री ऑपरेशन प्रोसीजर के बाद दिमाग हेयर लाइन मतलब एक बॉर्डर लाइन दिया जाता है जहाँ पे हेयर इम्प्लांट होगा। दिस इज द काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट कि बाबा इधर इधर बाल आएंगे। उसके बाद टेक्नीशियन अंजलि ने हेयर ट्रिम किया। ये टेक्नीशियन है बार्बर ने, बट द वे शी ट्रिम माई हेयर वॉज कम्प्लीटली इनक्रेडिबल। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जहाँ पे बाल है उधर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मुझे बाल अच्छे पीछे थे इसलिए मेरे पीछे वाले बाल एक्सट्रैक्ट किया। Doing good? A hair grafts मतलब एक tiny piece of scalp रहता है which contains one or two hairs. So are they good? Yeah, basically usually एक roots around एक या दो roots रहते हैं, but मेरे तीन या चार हैं. So they are pretty healthy. केडी खुद का ही चैनल लगा के ले रहा है. मैडम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो केडी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नहीं होगी, इतने भी अच्छे नहीं है. तो लेकिन अच्छे बनेंगे एक बार. और यह है इम्प्लांटेशन प्रोसेस। पिछले वाले प्रोसेस में जो हेयर एक्सट्रैक्ट किया था वो अभी इम्प्लांट करेंगे।
they started implanting all the extracts. तो अभी वो चलेगा. एंड what she said is कि अगर एक्सट्रैक्शन के लिए एक घंटा लगता है तो इम्प्लांटिंग के लिए डबल द आवर्स, लाइक दो घंटे लगेंगे. तो एक्सट्रैक्शन इज थोड़ा टाइम बट इम्प्लांटिंग इज थोड़ा ज़्यादा टाइम. थोड़ा सा पेन हुआ उसे स्टार्टिंग में ही सेड एनेस्थीशिया देने के टाइम पे. उसके बाद तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वो एरिया में कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बैंडेड लगाया हुआ है. ऑलमोस्ट डन. डन. गुड. कैसे लगा? थैंक यू. थैंक यू. ये जो एरिया है ये मुझे चेक करना पड़ेगा. ना ना पड़े और कुछ करना पड़ेगा? और कुछ नहीं, टच नहीं करना होगा. ऐसे लग रहा है कि यू आर गोइंग टू ऑपरेट समवन. ऐसे लग रहा है कि यू आर गोइंग टू ऑपरेट समवन. But I feel good. But I'm still behind one question that is, you know, bothering me a lot. Like, why did I go for hair transplant? Huh? Why did I go? Like, what is the why behind it? Because people say that you get a lot of confidence to talk in front of anyone, right? ऐसा कुछ नहीं था मुझे. ऐसे reason रहता है ना कि why? मुझे पता नहीं. Maybe I want myself to look good. Do you know my reason? I don't know. I know my reason. What? क्योंकि हर टाइम हर फोटोज में 10 फोटोज निकाले तो उसमें से 9 फोटोज रिजेक्ट होते हैं जस्ट बिकॉज यू थिंक यू आर नॉट लुकिंग गुड. यस. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ योर हेयर. राइट. आई गेस सो. दैट्स द आई थिंक दैट्स द रीजन. वन ऑफ द रीजन. उसी की वजह से तेरी मॉम ने भी तुझे अलाउ किया टू गो थ्रू दिस बिकॉज उन्होंने देखा है तो कितनी बार अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा. एंड देन तेरा मूड ऑफ हो जाता है. राइट राइट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी फोटोज निकालने होते हैं मेरे को यही डर होता है कि निकालने के बाद तेरा मूड ऑफ हो जाएगा, कि तुझे लगेगा कि सही नहीं दिख रहा है. दैट्स माय रीजन. तुझे पता है क्या, ये सब पहला था, अभी नहीं है. अभी भी है. लाइक द टाइम आई एम इन कॉन्टेंट क्रिएशन मुझे ऐसे कभी नहीं लगता. दैट्स गुड. बट एनी विच वेज गाइस, थैंक यू टू माई फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल रूपरा, और उसके बाद बाकी सब लोगों के घर में, उसकी भी फैमिली और मेरी भी फैमिली, क्योंकि इन लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि जस्ट गो फॉर इट. किसने ऐसा नहीं बोला कि यार इतना पैसा है ये सब क्यों कर रहा है एंड ऑल, किसने भी नहीं बोला. दे जस्ट सपोर्टेड मी. थैंक यू सो मच माई फैमिली एंड यू गाइज ऑल्सो आर माई फैमिली. इफ यू लाइक दिस ब्लॉग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.